और अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। हवाई यात्रा दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। समर वेकेशन में आपके घूमने का बजट बिगाड़ रहे एयरलाइंस। घरेलू उड़ानों के दाम में कुछ रूट पर आपको बताएं 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। एयरलाइंस का कहना है कि फ्लाइट की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि छुट्टियों के मौसम की वजह से हवाई यात्रा की मांग ज्यादा है। उधर गो फर्स्ट का दिवालियापन भी एक प्रमुख वजह यहां पर बना हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले एविएशन मिनिस्टर ने सभी एयरलाइंस के साथ बैठक करके बढ़ते दामों पर लगाम लगाने की बात की थी। All the airline representative on airfare hikes. In the 45 minutes meeting, union minister clearly told to the airline representative to monitor the airfare and provide the benefits to all the passenger. But what we can see, I would like to tell the viewers that if I want to book one flight from Mumbai to Kolkata, the rates had started from 23,000 to 56,000, and that is the economy class. There are two sections, as we all know, in the airline. First is economy, and then is business. What is the meaning of the economy class? Economy class means that the layman can pay a less amount to fly. But right now, what is happening? Like in the 56,000, we have to pay for one flight. If I want to travel tomorrow from Mumbai to Kolkata, I have to pay 56,000. So what is this happening after? There is also a meeting which held yesterday with the Union Civil Aviation Minister. And after that also, there is no action has been taken by the airline representative. So the big question, when they are going to take action, when the people can see the less prices in the economy class, that we have to see. We have been joined by some of the travelers who have been in the national capital. Sir, लगातार जो एयर फेयर है वो बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ पे अभी दिल्ली में क्या कहेंगे, क्योंकि कंट्रोल से बाहर हो रहा है? एग्जैक्टली, कंट्रोल से बाहर नहीं होता, दादागिरी हो रही है। प्राइस हाइक कर रखा है सर्विस के नाम पे, रिश्वत जीरो। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि मैं इस समय बंधक बना हुआ हूँ, मैं अपने घर नहीं जा सकता हूँ। 20,000 से ऊपर की मेरी तीन लोग हैं, मियाँ बीबी और बच्ची साथ में। 5 बजे की फ्लाइट आई है, 8 बज रहे हैं, सामान मेरे को मिला नहीं है। अपने पैसे से टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 पे आए हैं धक्के खाते हुए। यहाँ बंधक हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। पैसे के तो खूब बढ़ाए जा रहे हैं, सर्विस के नाम पे 0। आपने भी ये शिकायत कराना चाहेंगे दर्ज मिरर नाव पे, क्योंकि आपने भी ज्यादा पैसे दे करके बुक कराए? 8 से 10 हजार टिकट का चार्ज कर रहे हैं ये लोग। हमारा पूरा जो लगेज है, कम से कम 25 से 30 पैसेंजर्स का लगेज उन लोगों ने वहाँ ड्रॉप कर दिया है सिर्फ कमाने के चक्कर में। क्या इनको नहीं मालूम है वेट ज्यादा हो रहा है? ज्यादा पैसे में आप टिकट बेच रहे हो, आप लगेज उतार दे रहे हो, कितना गलत तरीका है। 4 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई इंडिगो का स्टाफ हमारा मदद करने को तैयार नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, एकदम गलत बात है ये। दिस इज द प्लाइट ऑफ पीपल हु यू नो बोर्ड वन ऑफ द प्रीमियम यू नो एयरलाइन इन इन ऑपरेटिंग इन द कंट्री। एंड यस, यू नो गो फर्स्ट एयरवेज इज वन ऑफ द प्राइम रीजन, बट यू कैन क्लियरली हियर वट पीपल आर थिंकिंग करेंटली। दे आर सेइंग दैट दे हैव बीन पेइंग, एंड यू कैन क्लियरली सी द लाइव विजुअल्स दैट हाउ बैडली दे हैव बीन अफेक्टेड बाई दिस प्राइस सर्ज एंड यू नो लैक ऑफ केयर गिवन बाय द एयरलाइन कंपनीज। सो दे आर क्लियरली कंप्लेनिंग ऑन मिरर नाउ, यू नो कमिंग फॉरवर्ड स्पीकिंग यू नो अबाउट द एपैथी सोन बाय द एयरलाइन कंपनीज।